الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا تيرة ولا هامة ولا سفرة ولا نوى ولا غول رواه الإمام مسلم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف لائق و زیبا ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جس کے قبض قدرت میں سارے جہان کی بادشاہت ہے نفع نقصان کا تنہا مالک وہی ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشیں ماں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے انشاءاللہ الرحمن اسی حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اللہ ہمیں صحیح کہنے صحیح سننے صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے آمین اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ہر اچھائیوں کو جمع کرنے اور ہر برائیوں سے دور رہنے کی مکمل تاکید کی ہے
इस्लाम की आमद से पहले, या कह लीजिए कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले के ज़माना को आम तौर से लोग ज़माना जाहिलिया कहते हैं, जाहिलियत का दौर। ज़माना जाहिलियत में जिस किस्म के रस्म व रिवाज पाए जाते थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत और रिसालत के बाद ज़माने जाहिलियत के उन तमाम तर आदात कबीहा को और बुरे रस्म व रिवाज को यकसर ख़त्म कर दिया गया। मगर अफसोस ये है कि जिन चीज़ों को ख़त्म किया गया ये समझा और बुझा कर कि ज़माना जाहिलियत की ये बदअकीदगियाँ हैं और वहाँ के रस्म व रिवाज है, अफसोस इस बात पर है कि इस्लाम के आ जाने के बाद इल्म हिकमत की मारफत के हुसूल के बाद भी लोगों ने फिर उसी बदअकीदगियों को और ज़माना जाहिलियत के बुरे रस्म व रिवाज को अपनी ज़िंदगी में चलाए रखा है और उसको मानते चले आ रहे हैं। उन्हीं रस्म व रिवाज में से, उन्हीं बदअकीदगियों और बदशगुनियों में से, उन्हीं बुरी आदतों और खसलतों में से चंद चीज़ों का तज़किरा आज की इस खुतबा में किया जाएगा इंशाअल्लाह। इससे पहले बात आ चुकी है, इस्लामी साल का आगाज माहे मुहर्रमुल हराम से होता है और उसका इख्तिताम माहे ज़िलहिज्जतिल हराम पे होता है। इस्लामी साल का दूसरा महीना जिसकी आज दूसरी तारीख है, यानी माहे सफर का आगाज हो चुका है और आज उसकी दूसरी तारीख है। माहे सफर से मुतालिक ज़माना जाहिलियत में, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो कुफार मुशरिकीन के अंदर बदअकीदगियाँ पाई जाती थी, वो बदअकीदगियाँ ख़त्म नहीं हुई है, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की थी। या कह लीजिए कि शुरू दौर में वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही बदअकीदगी और वही बदएतकादियाँ आहिस्ता आहिस्ता फिर शुरू हुई और आज जोरों पर बदअकीदगी पाई जाती है। उसी में से अरबी साल या इस्लामी साल के दूसरे महीने माहे सफर को मनहूस समझना, खैर बरकत से खाली समझना, बेबरकती वाला महीना समझना, ये बदअकीदगी पहले भी पाई जाती थी, आज के मुस्लिम समाज के अंदर भी ये खराबी मौजूद है। सफर, साद फा रा, सफर अरबी में जो रंग पीला होता है, जर्द रंग, उसके लिए सफर का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। ज़माने जाहिलियत में एक बार एक बीमारी लाहिक हुई थी जिसे यरकान कहा जाता, और आमतौर से हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, जिसमें आँख पीली हो जाती है, पेशाब पीला निकलना शुरू होता है। इसी सफर के महीने में ये बीमारी आई थी, इस मुनासबत से लोगों ने माहे सफर को वो बीमारी वाला महीना तसव्वुर करना शुरू कर दिया।
दूसरी बात, सफर नामी एक बीमारी है जो इंसान और जानवर के पेट में होती है, उसका कीड़ा सांप की शक्ल का होता है। इस मुनासिबत से भी इस बीमारी को, वो सफर की वजह से माहे सफर को मनहूस करार दिया गया कि बीमारी की शुरुआत सफर के महीने में हुई थी। इस किस्म की कुछ तारीखी बातें अलावा आदि। आम तौर से इंसान सफर के महीने को मनहूस समझता था और बेबरकत तसव्वुर करता था। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आज बहुत सारे लोगों ने इस सफर के महीने को तेरा तेजी का महीना बोलते हैं। तेरा तेजी का महीना मतलब 13 दिन लगातार बड़ी तेजी के साथ मुसीबतें और बलाएं नाजिल होती हैं। इस मुनासिबत से इसे 13 तेजी का भी कहा जाता, और खास तौर से भी कहते हैं कि जल्दी तेजी के साथ ये 13 दिन गुजर जाए। इस मुनासिबत से भी इसे 13 तेजी का महीना कहा जाता, नहीं सफर को 13 तेजी का महीना कहा जाता। मर्दों में ये चीज कम आम है, लेकिन औरतों की जबान पर जबान इज्जत आम है 13 तेजी का महीना। आखिर इस सफर के महीने को मनहूस समझने की वजह क्या है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तर्दीद किस तरह की? दो हदीस हमारे सामने हैं। एक हदीस बिल्कुल सही जो बुखारी मुस्लिम की है और सही है, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर के महीने को मनहूस समझने से मना किया, और दूसरी रिवायत जो बिल्कुल गढ़ी हुई है जिसमें यह कहा गया मम बशरनी बिखुरूज सफरी बशरतुहू बिल जन्ना, जो इंसान मुझे माहे सफर के गुजर जाने की खुशखबरी सुनाएगा मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाता हूं। इस हदीस को उलमाए मुहद्दिसीन ने मौजू और गढ़ी हुई करार दिया। इसी गढ़ी हुई रिवायत की बुनियाद पर सफर के महीने को मनहूस समझते हुए इसे जल्दी गुजरने की इंसान तमन्ना करता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो इसके गुजरने की खुशखबरी सुनाएगा मैं उसे जन्नत की खुशखबरी सुनाऊंगा, जबकि हदीस सही ही नहीं है, इस पर अकीदा रखना कैसे सही होगा। इसलिए अगर कोई इंसान सफर के महीने को मनहूस समझता है तो उसकी तर्दीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी मुस्लिम की इस हदीस से इस तरह की है कि वला सफरा, यानी सफर के महीने को जो मनहूस समझा जाता है इस सफर के महीने में नहूसत नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर मुशरिकीन ने या कुफार मक्का ने या उस जमाने के लोगों ने माहे सफर को मनहूस क्यों कहा? उसकी एक वजह यह भी बतलाई जाती है कि हुर्मत वाले महीनों में कत्लो कताल करना, जंगो जिदाल करना, मारपीट करना, लूट खसूट करना, रहजनी डकैती चोरी चमारी करना, ये सब मना था, और मुशरिकीन बतौर खास इसका एहतमाम भी करते थे कि जिन चीज़ों से मना किया गया हमें उससे रुक जाना है, और इन हुर्मत वाले महीनों की हुर्मत का बतौर खास पासो लिहाज भी रखना है। फिर क्या हुआ? अब अगर जंग का सिलसिला जारी है या जंग करने की नौबत लानी है, मुहर्रम का महीना है, किसी का किसी से इख्तलाफ चल रहा है,
और जंग करना नागुजिर हो गया। तो मुशरिकीन का एक तरीका यह था, वो कहां करते थे, इस तरह हम करते हैं, इस मरतबा मुहर्रम के महीने को हम सफर का महीना मान लेते हैं और सफर का महीना मानकर हम इसमें जंगो जिदाल कत्लो कताल कर लेते हैं। तो कहा मुहर्रम में चूंकि काबिल एहतराम हुरमत वाला महीना होने की वजह से कत्लो कताल करना गलत समझते थे, तो मुहर्रम की जगह पर नाम बदलकर सफर के महीने को मुहर्रम के महीने में ले आते और मुहर्रम को टाल के सफर में पहुंचा देते कि ये सफर की नहुसत थी कि जिसकी बुनियाद पर वहां जंगो जिदाल भी हो जाया करते थे। इस मुनासिबत से कहा इस तरह करना भी तुम्हारा जायज नहीं है, यानी महीने का अदल बदल करना भी जायज नहीं है और साथ साथ इस किस्म की बदअकीदगी का रखना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं है। एक वजह और भी बदलाई जाती है, आदमी तीन महीना बतौर खास ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, इससे पहले बात आ चुकी है चार हुरमत वाले महीने हैं ज़िलक़ादा ज़िलहिज्जा मुहर्रम और रजब। ये तीन महीने जो ही गुजरते सफर के महीने में जंगो जिदाल का सिलसिला शुरू हो जाता, तो लोग ये कहते थे कि तीन महीना गुजरा नहीं कि मनहूस महीना आ गया, जंगो जिदाल का सिलसिला शुरू हो गया। इस मुनासिबत से सफर के महीने को मनहूस समझा जाता था। एक वजह यह भी बताई यदि सफर अरबी में इसको सिफर भी कहते हैं, यानी सुनना जीरो जीरो, जगह सुनना सुनना बोलते हैं जीरो जीरो बोलते हैं, सफर बिल्कुल खाली सिफर है, किस्माना करके खाली है। ये तीन महीने लोग लूट खसूट नहीं करते थे, चोरी और राहदनी नहीं करते थे, तो तीन महीना गुजरा ही नहीं कि सफर की शुरुआत हो गई, लोग मक्कतुल मुकर्रमा से निकलते, मक्का में चोरी चमारी कभी नहीं करते लेकिन बाहर जाकर के राहदनी डकैती और छिनताई करते थे। इस मुनासिबत से लोग अपने घरों को छोड़ देते, खाली कर देते और दूसरी जगह चले जाते। इस वजह से सफर के महीने कहा गया ये खाली हो जाने वाला महीना है, इसलिए उसका नाम सफर रखा गया। ये कुछ वजूहात आम तौर से सफर के सिलसिले में बतलाए जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटा सा जुमला में उसकी तर्दीद कर दी, कहा वला सफरा, सफर के महीने को खैर बरकत से खाली महीना तसव्वुर करना ये ठीक नहीं है। सफर के महीने को मनहूस तसव्वुर करना ये भी ठीक नहीं है। सफर के महीने में कोई अच्छा काम न करना ये भी ठीक नहीं है। जो काम करने को किया जाएगा उसको एक जुमले में अल्लाह के नबी ने फरमाया वला सफरा, सफर के सिलसिले में जो बदअकीदगियां तुम्हारे दरमियान पाई जाती हैं उसकी कोई शरी हैसियत नहीं है, बल्कि उससे किनारा कशी अख्तियार करते हुए नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। जिस तरह तुम्हारा मुहर्रम गुजरा है उसी तरह सफर भी गुजारो और दिगर महीने को उसी अंदाज से गुजारने की कोशिश करो। जो हदीस खुतबे मुस्लिमा पढ़ी गई इसमें छह बदअकीदगियों का तज़किरा है, इन छह पर अलग अलग गुफ्तगू होगी लेकिन हदीस का तर्जमा समाअत फरमाए और इस खुतबे मुस्लिमा के महदूद वक्त में थोड़ी सी बात भी जहन में रखे इंशाल्लाह, बाकी तफसीलात आइंदा आएंगे। क्या फरमाया ला अदवा वला तियरता वला हामता वला सबरा वला नवा वला गूल, छह चीजों का तस्करा है। पहली बात लादवा, छूत छात नाम की कोई चीज नहीं है, तफसील इंशाल्लाह इससे पहले आ भी चुकी है और मजीद बताएंगे। वला तियारा, बदशगुनी नाम की कोई चीज नहीं है।
वला हामा, उल्लू के बैठ जाने से घर तबाह हो जाएगा, यानी उल्लू को मनहूस जानवर समझने की कोई हकीकत नहीं है। वला सफर, इसी तरह सफर को मनहूस समझना ये सही बात नहीं है। वला नवा, बारिश के जमाना है, फला निछत्तर के फला जगह चले जाने से ये बारिश हो रही है, ये निछत्तर का कोई दखल अमल दखल नहीं है। इस मुनासिबत से कहा वला नवा, ये निछत्तर का कोई अमल दखल नहीं है। और छठी चीज है वला गूल, जिसको हम कहते हैं चुड़ैल है कि पितनी है या भूत है, ये भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, उसके लिए लफ्ज गूल इस्तेमाल किया गया। इन छह बदअखीदगियों का तस्किरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए किया कि आपकी आमद से पहले कुफार मुशरिकीन में ये बदअकीदगियां पाई जाती थी, आपने उसकी तरदीद की, लेकिन उसके बावजूद मौजूदा समाज मुआशरा में और मुस्लिम सोसाइटी में ये बदअकीदगियां आज जोरों में मानी जाती हैं। अब अंदाजा लगाइए कि जिस चीज को खत्म करने के लिए आप आए थे वो चीज हमारे यहाँ फिर से पनप रही है और उसे और भी जोरों पर माना जाता है और लोगों को सिलसिले में बदअकीदगी के अंदर मुब्तला किया जाता है। पहली बात थी ला अदवा, छूत नाम की कोई बीमारी नहीं। आप कहेंगे डॉक्टर लोग तो कहते हैं छूत होती है और इसी बुनियाद पर पूरा दुनिया हैरान और परेशान है। तजर्बा की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो जिस चीज को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान करना चाहा है अगर उसे मद्देनजर रखेंगे तो इंशाअल्लाह छूत की बीमारी का कुछ असर नहीं होता है। इस कोरोना वायरस के दौर में जिन लोगों ने ज्यादा एहतियात किया है उन्हें यह बीमारी लायक हुई है और जो लोग मिलजुल कर आराम से रहे हैं, मुसाफा तक किए हैं, साथ बैठ के खाना खाए हैं, रहना सहना उसका मुस्तकिल हुआ है, ऐसे कोरोना के मरीज से बाजाब तो उसकी इयादत भी की है, उसके पास आना जाना भी लगा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो दंदनाता फिर रहा है। इस हदीस की सेहत को साबित कर दिया मौजूदा दौर ने भी कि फी नफ्सी ही किसी बीमारी के अंदर सिरायत करने की कोई ताकत नहीं है। रहा मामला कि कुछ मरीजों से सेहतमंदों को दूर रहने का जो हुक्म दिया गया उसकी वजह उलमा ये बतलाते हैं कि अकीदा रखा जाए फी नफ्सी ही बजाते खुद किसी बीमारी में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की सलाहियत नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी बीमारी को किसी के जिस्म से निकाले और किसी दूसरे में डाल दे तो ये अल्लाह तबारक व तआला के अख्तियार है, वो इसी बीमारी को ट्रांसफर कर दे या आसमान से नाजिल कर दे। असल अकीदा ये है, बीमारी सिरायत नहीं करती है, अलबत्ता कमजोरी की बुनियाद पर इंसान जब कमजोर होता है उसे ऐसा लगता है कि शायद ये हमको लग जाए और अल्लाह न करे, अल्लाह न करे बीमारी हो जाए तो इंसान सोचेगा कि अल्लाह की ताकत के एतबार नहीं है, इसी बीमारी में ये ताकत और कुव्वत है, वो जिसको चाहे पकड़ ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी की तरदीद की है, बीमारी में बजात खुद फी नफ्सी ही इधर से उधर जाने की कोई ताकत और सलाहियत नहीं है, उसी को फरमाया ला अदवा, छूत छात नाम की कोई चीज नहीं है। रहा मामला वादिस, फर्र मिनल मजलूम कमा तफर मिनल असद, कोर की बीमारी वाले से तुम उसी तरह भागो जिस तरह तुम शेर से भागते हो, यानी दूर रहने की कोशिश करो। जबकि दूसरी रिवायत मौजूद है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोर की बीमारी वाले को अपने दस्तरखान में बिठाया है और उसके साथ खाया भी है। तीसरी जानिब डॉक्टरी एतबार से देखिएगा, आप किसी शहर कलकत्ता में खातून गुजरी है जो बजाते खुद कोर की बीमारी के इंसान को अपने हाथों में लेना
और उसकी खिदमत करना उसके तुर्रे इम्तियाज था, और उसी की बुनियाद पर पूरी दुनिया में मशहूर भी हुई है। मदर टेरेसा का नाम आपने सुना ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ? बजात खुद फी नफ्सिही ही बीमारी किसी में सिरात नहीं करती है, अगर अल्लाह ताला देना चाहे तो कोई बच भी नहीं सकेगा। इसलिए अकीदा मजबूत रखा जाए, बीमारी हमें कुछ नहीं कर सकती, अगर अल्लाह की मशीयत होगी बगैर बीमारी के हम मर सकते हैं। पहली बात थी वलादवा, छूत छात नाम की कोई चीज नहीं है। एहतियात इसलिए करने को कहा गया कि एहतियात ना करने के नतीजे में अगर बीमारी आपको पहुंचती है तो आपका अल्लाह पर से विश्वास उड़ जाता है, और अल्लाह पे तवक्कुल करने के बजाय बीमारी पर आपका भरोसा चला जाता है। बीमारी से दूर रहेंगे तो बचे हुए थे, बीमारी के करीब थे इसलिए बीमारी हमको लायक हो गई। गोया आपने फी नफ्सी ही और बजाते खुद बीमारी को मुअस्सिर समझा, और यह अकीदा इस्लाम के खिलाफ है। उसी को कहा वला अदवा, इस तरह का अकीदा रखना कि बीमारी सरायत करती है यह अकीदा सही नहीं है। दूसरी बात वला तियारा, तियारा मतलब बस शिगुनी, अहले अरब का तरीका था कोई काम करना हो तो उसके लिए एक परिंदा उड़ाते थे। तियारा तैर के मतलब परिंदा, परिंदा उड़ा दिया, अगर परिंदा दाएं तरफ चला गया ये सोचते थे कि मेरा सफर कामयाब होगा, ये मेरा कार अच्छा होगा, वो करना शुरू कर दे। अगर वो बाएं तरफ चला गया उनका अकीदा होता था कि नहीं अब ये सफर मेरा ठीक नहीं है, ये मेरा काम बिगड़ जाएगा। गोया अशरफुल इंसान, अशरफुल मखलूकात, इंसान के काम की नौइयत को एक मामूली सा परिंदा बदला रहा है कि आपका काम सही होगा कि गलत होगा। इस बदअकीदगी से मना करने के लिए कहा गया वला तियारा, परिंदा को उड़ाकर हालात मालूम करना और इस तरीके से अच्छी बुरे की तमीज़ से मुतल्लिक अकीदा रखना, इस तरह का अकीदा रखना दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात, तियारा का माना होता है नहुसत या बदशगुनी। उस जमाने में भी था, आज के दौर में भी है, अगर आप घर से निकले किसी ने आपको टोक दिया फला साहब आपका मिजाज खट्टा हो जाता है, सफर तो मेरा बर्बाद हुआ, उसने टोक दिया, ऐसा लगता है उस टोक का असर ज्यादा है और अल्लाह का पावर नहीं है, नाकुल वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला। यानी उस इंसान के टोकने के नतीजे में आपका यात्रा खराब हो जाएगा, आपका सफर नाकाम हो जाएगा, अब जिस महाज पर निकल रहे थे उसमें आपको नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? अल्लाह कुछ नहीं है, वो इंसान है, टोक दिया गया काम से। और तो और यहां तक बदअकीदगी है, अगर कोई इंसान निकल रहा है और उसको छींक आ जाए, इस छींक आने को इंसान समझता है कि बद ये नहुसत है, मेरा काम बिगड़ जाएगा, जबकि उस छींक आने पर आप पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तारीफ है। जिस काम के जिस अमल की बुनियाद पर अल्लाह की शुक्र अदा किया जाए, वह अमल आपका खराब कैसे हो जाएगा? अगर किसी को छींक आता है, उस छींक आने के नतीजे में उसका सफर बिगड़ जाएगा, ये बदअकीदगी ने दौर क्या चीज है। इलावा दी आप देखते हैं पढ़ा लिखा तबका जो आमतौर से अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, उसकी अच्छाई और बुराई की सारा अख्तियार एक बिल्ली के पास है। अब रास्ता चलते रहिए, बाइक में हो या किसी और सवारी पे हो, बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, तसव्वुर क्या होता है देखिएगा, अचानक गाड़ी रुकती है, कुछ देर रुक के खड़े रहते हैं, जब तक पीछे वाली गाड़ी आगे ना चली जाए अब आगे नहीं बढ़ाते। क्यों भाई? बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, यानी बिल्ली आलिमुल गैब है, आपको रोक रही है कि ऐसा मत करो, सामने खतरा है, मैं तुम्हारे दरमियान इसलिए हायल हो रही हूं कि खतरा से तुम्हें बचाया जाए। इंसान को अता पता नहीं है और बिल्ली को खबर है, ये बदअकीदगी नहीं है। इलावा इस किस्म की बहुत सारी बातें जो जमाने जाहिलियत में चल रही थी,
इसे लोगों ने अपना लिया। बाएं आंख हरकत करती, इसको फड़फड़ाना बोलते हैं। बाएं आंख फड़फड़ा रही है, इसका मतलब है कुछ खतरा है, और दाएं आंख हरकत कर, इसका मतलब अच्छा है। वाह, कितना कितना समझदार इंसान है। इलावा भी कौवा आपके दरवाजे पर काई काई करना शुरू कर दिया, अब समझते हो कि मेहमान आ रहा है। यानी अल्लाह ने इंसान को शऊर नहीं दिया है, लेकिन कौवा को भेज दिया, मेरे बंदों को खबर कर दो वो मेहमान नवाजी के लिए मुर्गा तैयार कर दे। ऐसा तो नहीं है कि आपके मतबक के सामने रखे हुए गोश्त पर चोट करने के लिए वो चिल्ला चिल्ली कर रहा है, आप उस पर तवज्जो दीजिए और वो लेके हजम कर जाए। ये सब बदअकीदगियां हैं। इस किस्म की चीजों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला तियारा, बदशगुनी नाम की कोई चीज नहीं है। इसकी नफी भी की गई, इसकी नहीं भी की, यानी उसकी तरदीद कर दी गई, और उससे मना भी किया गया कि इस तरह की बदअकीदगी ना रखिए। उसके बाद एक लफ्ज है वला हामा। हामा आमतौर से उल्लू नामी परिंदों से मुतल्लिक बात कही गई, वहां भी बदअकीदगी पाई जाती थी कि जिसके घर पर उल्लू अगर बैठ गया तो समझ लिया कि कारखाना तबाह, वो इंसान तबाह, उसका घर तबाह, उसकी बिल्डिंग और उसकी सारी जायदाद तबाह। यहां भी बदअकीदगी है कि अशरफुल मखलूकात की तकदीर को संवारने और उसकी बिगाड़ने के लिए एक परिंदा हमारे पास है, अगर परिंदा हमारे उल्लू नामी परिंदा हमारा घर में नहीं बैठता है, हम सुकून की जिंदगी गुजारेंगे, और अगर हमारा किसी कल कारखाना में या दुकानों मकान में बैठे थोड़ी देर के लिए, बदतबाही। क्या कहते हैं, गुलशन की तबाही को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। तो आपकी तकदीर बनाने वाला कौन है, उल्लू। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी। इसलिए अकीदा रखना कि किसी पर उल्लू बैठा, दरवाजे बैठा, छत पे बैठा, दुकान मकान पे कहीं बैठा, तो उस पर तवज्जो ही नहीं देना है। अगर आपने तवज्जो दिया, तसव्वुर कर लिया कि अब हमारा खुद बुद्धि लगी हुई है, अब तो हम नुकसान हमको हो जाएगा, नुकसान से हम दो चार हो जाएंगे, इसका मतलब है आपको अल्लाह पे भरोसा नहीं है, उससे उल्लू की हरकत पर आपको एतमाद और भरोसा है। और उसके बाद फरमाया वला सफरा। भाई सफर के बारे में जो समझते हो कि मुसीबतों का महीना है, जल्दी मुसीबतें उतरती हैं, जंगो जिदाल का सिलसिला शुरू हो जाता है, सब घर खाली हो जाता है, इसलिए यह नुहूसत का महीना है। भाई अगर घर में बैठे रहिए कमाने धमाने के लिए, इंसान घर से बाहर नहीं निकलेगा तो कहाँ से रोजी रोटी का मसला हल होगा। अगर आप जंगो जिदाल से बचने के लिए या जंगो जिदाल न करने के लिए 3 महीना आपने इंतज़ार किया है, और 3 महीने के बाद किसी जगह को आपको फतह करना है, और उसके बाद आपके लिए घर से निकलना हो गया, और जंगो जिदाल की नौबत आ गई, फिर नुहूसत की क्या चीज़ है। अगर सही चीज़ के लिए जंगो जिदाल किया जाए बहुत बड़ा मकाम है। अगर कोई इंसान वहाँ से पलट के वापस आता है, माल गनीमत लेके आता है, और अगर अपनी जान का नजराना पेश करता है तो जाम शहादत नोश करता है, वो गलत क्या है। आपने इस मुनासिबत से कहा वाला सफरा, सफर के बारे में जो नुहूसत का अकीदा रखते हो वो सही नहीं है। नुहूसत क्या है, इंशाल्लाह इस पर खुतबा मुकम्मल होगा। आखिर में दो लफ्ज़ार उसे याद कर लीजिए, वला नौआ, निछत्तर। अभी बारिश हो रही है तो कुछ लोग सितारा परस्त होते हैं, सितारों से मुतालिक बदअकीदगी रखते हैं कि अल्लाह इस बादल को इधर उधर नहीं करता है, फला निछत्तर के फला जगह चले जाने से अब तो बारिश होगी। अरे बारिश इसीलिए हुई है, एक हदीस अल्लाह के नबी ने बयान फरमाई, सुलह हुदैबिया के मौका पर फजर की नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया, जानते हो माज़ा क़ाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। कहा सहाबा ने, आप बताइए। अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो कहा
अल्लाह ने कहा आज कुछ लोग काफिर हो गए और आज कुछ लोग मोमिन हो गए। फिर सहाबा के दरियाफ्त करने पर उसकी तफसील बदलाई। जिन लोगों ने कहा जो बारिश हुई है सितारे के फना जगह चले जाने से बारिश हुई है, यानी बारिश में सितारे की करम फरमाई है, वो आमिनी काफिर हो गया। और जिसने कहा नहीं अल्लाह तबारक बताला की मशीयत से बारिश हुई है, वो इंसान मोमिन हो गया। इंशाल्लाह इसकी भी तफसील आई है। और अखीर का लफ्ज है वला गूल, मतलब भूत प्रेत। जिन है इससे कोई इनकार नहीं है, जिनकी बिगड़ी हुई शक्ल हो सकती है, जिसको पितनी भी कहते हैं, चुड़ैल भी कहते हैं और भूत प्रेत भी कहते हैं, ईमाना आ सकते हैं। लेकिन जिन हो कि भूत हो कि शैतान हो कि इबलीस हो, ये भी किसी को नुकसान उस वक्त तक नहीं पहुंचाता है जब तक अल्लाह तबारक बताला की मशीयत नहीं होती है। इंसान जिन्नात से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर आप समझते हैं कि उस जिन्नात ने आपको नुकसान पहुंचा दिया है, उस चुड़ैल ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, उस भूत ने आपको नुकसान पहुंचा दिया, यकीने की खराबी है। इस्लाम ने सख्ती के साथ मना फरमाया कि भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं है, या उसका खुद अपना दस्तरस का इस्तेमाल करके इंसान को नुकसान पहुंचा देना यह बदअकीदगी है, ऐसा अकीदा रखना सही नहीं है। रहा मामला, आदमी जब वसवसा से दो चार होता है तो एक से एक ख्यालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। खाली मकान है, अचानक आपका बदन भर गया, लगता है कोई कुछ है। इसी तवहुम का नाम भूत है, परेत है, ये खुराफात है। फिर अगर आपको विश्वास ये हो कि अल्लाह न चाहे तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो गोया आपने अल्लाह को फरामोश कर दिया और उस तवहुम पर आपका अकीदा चला गया। अब तो हमारा कोई ठिकाना नहीं है। क्यों नहीं होगा भाई? आज घर घर में बाथरूम बना हुआ है, पहले बाथरूम बाहर हुआ करता था, आज भी देहात बाहर है। अटैच बाथरूम फख्र की बात है, कोई मना नहीं है, लेकिन उस बाथरूम में तो जिन्नात होता है। अल्लाह के नबी ने दुआ सिखलाई बाज़ाब्ता, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। क्यों? खबीस जिन हो या खबीस जिन्नी हो, उससे आप अल्लाह के बना जाते हैं। तो जो आपके घर में वो मौजूद है, आपने उसके दरवाजा खोल के रखा है, आप अल्लाह की पनाह उस जिन भूत से जिन से नहीं मांग रहे हैं। अब अगर अल्लाह की पनाह में नहीं गए और आपने एहतियाती तदबीर भी नहीं की, उसके दरवाजा बंद करके रखना चाहिए, आपने खुले छोड़ दिया, अगर वहां से डर की कोई सूरत पैदा होती है और आपको परेशानी लायक होती है, तो उसकी जिम्मेदार आप ना है। इस मुनासिबत से इस किस्म की चीजों में जो बदअकीदगियां पाई जाती हैं कि बेजाते खुद ये चीजें हमें नुकसान पहुंचा देंगी, तो याद रखिएगा सराब के साथ कुरान मुकद्दस ने कहा है कि जादू करने वाले अफराद वमा हुम बिदारीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अगर कोई इंसान बजाते खुद जादू करता है, उसके जादू का असर अल्लाह की इज्न और मशीयत के बगैर हो ही नहीं सकता है। अगर हुआ है इसके मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा है, और अल्लाह ने चाहा क्यों है कि आपने अल्लाह तबारक व तआला से गफलत का मामला अपनाया। इसलिए अपने आप को अल्लाह से जोड़ के रखिए और इस किस्म की नहुसत और बदशगुनी और इस किस्म की बदअकीदगियों से अपने आप को दूर रखिए। अल्लाह हमें और आपको जुमला मुसलमानों को नेक समझ की तौफीक अता फरमाए। इलाज जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमा दें, जो मकरूद है उन्हें कर्जा अदा करने की सहूलियात फराम कर दें, जो लोग दीनी दुनियावी एतबार से परेशान हाल हैं उनकी जुमला परेशानियों को दूर फरमा दें। इलाज जिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों की बीमारी की शिफायाबी की दुआ की दरख्वास्त की है, इलाज उनके मरीजों को शिफा अता फरमा दें। जिन लोगों ने अपने रोजी और कारोबार में बरकत की दुआ करने की दरख्वास्त की है, इलाही तो अपने फजल करम से उनके कारोबार में और उनकी रोजी रोटी बरकत दा फरमाए। जिन तलबा और तालिबात ने अपने कामयाबी की दरख्वास्त की है, इलाही दुआ की दरख्वास्त की, इलाही तो अपने फजल करम से उन तमाम बच्चे और बच्चियों को अच्छे नंबरा से कामयाबी अता फरमा दें। जब तक हमें जिंदा रख किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह पर अमल करते हुए जिंदा रख,
और जो हमारा ख़ात्मा हो, इन्हीं दोनों की तरफ इशाद करते हमारा ख़ात्मा हो। अक़ुल क़ौली हाज़ा वअस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वआख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।